हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसआर शिपिंग लिमिटेड शेयर के बारे। आज हम लोग एसआर शिपिंग शेयर का जानने वाले हैं। ये चार टॉपिक: रिटर्न, शेयर होल्डिंग, टारगेट एंड स्टॉप लॉस और फंडामेंटल्स। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इस टाइप की वीडियो बनाते रहता हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए डायरेक्ट चलते हैं हम लोग टॉपिक पर। चलते हैं हम लोग बात करते हैं रिटर्न्स की। तो देख सकते हैं फ्रेंड, एक नेगेटिव रिटर्न है, वो भी 5 साल में, वो भी 4% का, जो कि जल्दी कवर होने वाला है। और बाकी देखिए, सारे के सारे ग्रीन है। इससे अच्छा मतलब ये अपने आप को रिकवर करते जा रहा है और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। ये रिटर्न्स चार्ट बता रहे हैं, ठीक है, आप लोग भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। अब हम लोग चल के एक बार शेयर होल्डिंग्स देखते हैं। शेयर होल्डिंग्स की बात करें फ्रेंड, तो देखिए प्रमोटर के पास 74.37% की होल्डिंग है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए। और DII के पास 0.03% की होल्डिंग है। FII के पास कुछ भी नहीं है और अदर होल्डिंग कुछ भी नहीं है। पब्लिक के पास 25.6% की होल्डिंग है, ठीक है फ्रेंड। तो हमने अभी दो चीज़ों पर डिस्कस किया, रिटर्न्स और शेयर होल्डिंग्स पे। अब हम लोग चलते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे चल के जानेंगे इसका टारगेट और स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म के लिए डे कैंडल यूज़ करूँगा और लॉन्ग टर्म के लिए वीकली या मंथली कैंडल यूज़ करूँगा, ठीक है फ्रेंड। तो आ चुके हैं फ्रेंड हम लोग एसआर शिपिंग शेयर के चार्ट पे। शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग डे कैंडल का यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए अपर सर्किट पे है ये आज भी। तो डे कैंडल पे इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा ₹15.35 का। सेकंड जो इसका टारगेट होगा वो होगा ₹17.10 का। और थर्ड जो, सॉरी, इसमें दो ही टारगेट होगा, मैंने दो ही टारगेट रखे, तीन स्टॉप लॉस रखा है इसका। इसका जो फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा वो होगा ₹13.25 का। इसका जो सेकंड स्टॉप लॉस होगा वो होगा ₹12.05 का। और इसका थर्ड जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा ₹11.15 का, ठीक है फ्रेंड। अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग टर्म पे। लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग वीकली या मंथली कैंडल यूज़ करेंगे। तो मैं लेता हूँ वीकली कैंडल। लॉन्ग टर्म पे इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा ₹15.85 का। सेकंड जो इसका टारगेट होगा वो होगा ₹20.35 का। और थर्ड जो इसका टारगेट होगा फ्रेंड वो होगा आपका, और ये जूम हो गया, इसका थर्ड जो टारगेट होगा वो होगा ₹25.10 का, ठीक है फ्रेंड, ₹25.10 का। अब बात करें इसके स्टॉप लॉस की, तो मैंने इस पे दो ही स्टॉप लॉस रखा है फ्रेंड। फर्स्ट होगा ₹10.85 का, सेकंड जो होगा वो होगा ₹5.55 का, ₹5.55 का, ठीक है फ्रेंड। तो हमने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पे टारगेट और स्टॉप लॉस जाना फ्रेंड एसआर शिपिंग लिमिटेड शेयर का। अब हम लोग चलते हैं फंडामेंटल्स पे, जहां हम लोग ओवरव्यू, इवेंट और न्यूज़ देखेंगे। तो आ चुके हैं फ्रेंड हम लोग फंडामेंटल्स पे। यहाँ देखिए इसका पूरा नाम है, ये किस कैटेगरी का शेयर है वो भी है। ये एक स्मॉल कैप शेयर है। तो और इसका कैपिटल देख सकते हैं आप, 285 करोड़ का है। बावनवीं हाई की बात करें 14.40 रुपये, बावनवीं लो की बात करें 6.90 रुपये। शेयर होल्डर्स की बात करें 1.05 लाख शेयर होल्डर्स है। मंथली रिटर्न देख सकते हैं 31% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न है। ईयरली रिटर्न देख सकते हैं 107% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न है। पीई रेशियो देखिए 0.17 है। पीवी रेशियो देखिए नेगेटिव है, नेगेटिव 0.06 है, ठीक है। अब हम लोग चल के एक बार इसका इवेंट्स देखेंगे। इसके इवेंट्स आप देख सकते हैं फ्रेंड, 25 अगस्त को अनाउंसमेंट हुई है लास्ट, ठीक है। अब हम लोग एक बार न्यूज़ देखते हैं। तो फ्रेंड इस शेयर पे कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ नहीं है, जो भी न्यूज़ है वो पुराना न्यूज़ है, एक वीक पुराना है, हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है फ्रेंड। आशा करता हूँ फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।